गुना जिले में पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा जिले में हो रही चोरी के आरोपियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कैंट थाना अंतर्गत पगारा फैक्ट्री में लगे सोलर प्लांट से केबल तार चोरी व अन्य दो अलग अलग चोरी के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से करीबन 1.50 लाख कीमती 35 किलो तांबे का तार भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार बीते जुलाई माह में पगारा फैक्ट्री में लगे दीपक स्पिनर्स लिमिटेड कंपनी के सोलर प्लांट से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 1500 से 1800 मीटर केबल तार चोरी कर लिया गया था, जिसके चलते कैंट थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 22 अगस्त को संदेही बबलू पारदी, बंटी पारदी और रोहित पारदी को गिरफ्तार किया। गुना से प्रताप सिंह प्रभाकर की रिपोर्ट। कुल 8 हमने चोर पकड़े हैं, जिसमें से 7 पारदी हैं और एक अन्य है। इससे एक गोपालपुरा में क्षेत्र में एक दुकान और घर में चोरी हुई थी, उसने एक आरोपी पकड़ा, उससे हमने माल मसलू का सब बरामद कर लिया है। और ये जो पारदी हैं, जिसमें से 3 नाबालिग बालक हैं और 4 बालिग हैं, इनमें से एक नीरज निगम जी के यहाँ चोरी हुई थी, उसको इनने कबूल किया है, उससे जो चोरी का मसलूका है वो बरामद कर लिया है। इन्हीं पारदियों से अन्य उससे पूछताछ करते इनके घरों से हमें चोरी की 5 मोटरसाइकिलें भी मिली हैं और एक 3 पारदी और पकड़े हैं, उनसे पगारा फैक्ट्री में जो केबल चुराई गई थी तो उस केबल का उन्होंने केबल जला के उनका कॉपर वायर निकाल लिया था, तो कॉपर वायर भी हमने जब्त किया।